बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज सेकंड ईयर का लेक्चर चैप्टर 15 जो है आप लोगों का होम्योस्टेसिस है। आज उसका कंटिन्यूएशन है लेक्चर नंबर 3 के हवाले से। तो कल हम लोगों ने ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, तो आज हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स के हवाले से पढ़ेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स में सबसे पहले इंट्रोडक्शन। एनिमल्स जो हैं इनका जो बैलेंस है वाटर के हवाले से और सोल्यूट के हवाले से बहुत क्रिटिकल है, यानी इसमें नेट लॉस और नेट गेन ऑफ वाटर और सोल्यूट, यानी बहुत ज्यादा पानी जाया या बहुत ज्यादा पानी कम या सोल्यूट का ज्यादा होना या कम होना, ये इनके सेल्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, लिहाजा इनका बहुत नैरो रेंज में चल रहा होता है एज कंपेयर टू प्लांट, यानी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। इसी वजह से इनकी ऑस्मो रेगुलेटरी स्ट्रेटेजीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यही हम लोग बताएंगे। इसके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स के हवाले से जानवर दो तरह के होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स और एक को हम लोग कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स के बारे में बिल्कुल वेरी सिंपल सी बात है कि ये वो जानवर हैं जो कि रहते ही अपने माहौल के साथ आइसोटोनिक हैं। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर कोई भी सेल जो है अपने एक्सटर्नल एनवायरमेंट के साथ आइसोटोनिक कंडीशन में हो तो ना तो नेट लॉस ऑफ वाटर होता है ना ही नेट गेन ऑफ वाटर होता है, यानी ना ही पानी जो है वो फालतू जाया होगा ना ही पानी फालतू अंदर आएगा, तो लिहाजा इनके अंदर कोई इस तरह की स्ट्रेटेजी नहीं पाई जाती। इसी वजह से इनको कुछ भी रेगुलेट करने की जरूरत नहीं रहती क्योंकि ये रहते ही अपने माहौल के साथ आइसोटोनिक कंडीशन में रहते हैं। तो आइसोटोनिक जो होते हैं ये डू नॉट एडजस्ट ऑस्मोटिक स्टेट, यानी इनको अपने ऑस्मोटिक कंडीशन को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं हो सकती या नहीं होती। एग्जाम्पल इसकी आप लोग अगर देना चाहें तो जेली फिश है, हैग फिश है, तो ये रहते ही आइसोटोनिक है। प्रॉब्लम जहां पे जनरेट होती हैं वो होती हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स के हवाले से। इनके अंदर ब्लड जो बॉडी फ्लूइड कंसेंट्रेशन डिफर विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दो बातें याद कर लें। इसके अंदर जो है जो रेगुलेटर्स होंगे उनके अंदर बाहर की निस्बत या तो साल्ट कंसेंट्रेशन बॉडी में ज्यादा होगी या बाहर साल्ट की कंसेंट्रेशन एनवायरनमेंट में ज्यादा होगी बॉडी में कम होगी, यानी कभी भी इक्वल नहीं होते, इनका डिफरेंस होगा। यानी दोबारा सुन लें, या तो साल्ट कंसेंट्रेशन या सोल्यूट कंसेंट्रेशन बॉडी में ज्यादा होगी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कम होगी, या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सोल्यूट कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी बॉडी में कम होगी। ऐसे जानवरों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उनको बार बार अपने आप को रेगुलेट करना पड़ता है, तो ऐसे जानवरों को ही हम लोग ऑस्मो रेगुलेटर कहते हैं। ऑस्मो रेगुलेटर्स के हवाले से अगर आप एग्जाम्पल देना चाहें, इंसान इसमें ऑस्मो रेगुलेशन में आ जाता है, इंसान की किडनीज आ जाती हैं, कुछ फिश हैं वो भी ऑस्मो रेगुलेशन करती हैं, तो इसी को ही हम लोग अब देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। तो डिफरेंट एनवायरमेंट ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट एनवायरमेंट, सबसे पहले आ जाए मैरीन में। देखिए किसी भी टॉपिक को समझने से पहले उसको बजाय किताबों से रटा लगाने के उसको थोड़ा कंसेप्चुअली देख लेते हैं। मैरीन समुंदर, अब समुंदर में कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये है कि समुंदर का पानी मैरीन वाटर जो होता है वो आपको मालूम है कि वो साल्टी होता है। तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बाहर यहाँ पे लिख दिया 4%, यानी हम ये समझ लें कि बाहर सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, और एज कंपेयर टू बॉडी के। तो इसमें क्या हुआ कि जो फिश के हवाले से जो बाहर का एनवायरमेंट है क्योंकि वहां सोल्यूट ज्यादा है, तो एक्सटर्नल एनवायरमेंट क्या हुआ, हाइपरटोनिक हो गया, हाइपरटोनिक। और अंदर का एनवायरनमेंट जो है बाहर की नस्बत क्या हो गया, हाइपोटोनिक। अब मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब बाहर हाइपरटोनिक हो और अंदर हाइपोटोनिक कंडीशन हो तो वाटर जो है वो हमेशा बॉडी से थ्रू स्किन थ्रू गिल्स जो है वो यहां से बाहर जाएगा। तो जहरी बात है इन जानवरों को प्रॉब्लम होगी, अंदर वाटर की शदीद कमी होना शुरू हो जाएगी, तो इनके पास क्या स्ट्रेटेजी है, तो यही हमने देखना है। तो सबसे पहले मैरीन में पहली बात तो ये है कि मोस्ट मैरीन इनवर्टिब्रेट्स वो तो होते ही ऑस्मो कॉन्फॉर्मर है। ऑस्मो कॉन्फॉर्मर के बारे में बता दिया, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वाहिद आपके कोर्स में एक वर्टिब्रेट मछली है जिसकी रीढ़ की हड्डी भी है लेकिन वो हैग फिश है, वो भी ऑस्मो कॉन्फॉर्मर है यानी आइसोटोनिक है, यानी इनको तो प्रॉब्लम ही नहीं है। हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स को। अब यहां पर आ जाए कार्टिलेजिनस फिश है, अब इसके अंदर क्या हुआ, लो इंटरनल साल्ट कंसेंट्रेशन। अब ये आपके पास सामने आ गया लो इंटरनल साल्ट कंसेंट्रेशन, बाहर साल्ट कंसेंट्रेशन ज्यादा है। मैंने बता दिया हाइपो से पानी हाइपर जाएगा, बार बार इनकी बॉडी से पानी बाहर निकलेगा और इनके अंदर पानी की शदीद कमी हो जाएगी। जैसे मैंने बताया था कि ये पानी की कमी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो
तो फिर ये क्या करते हैं, इनके पास क्या स्ट्रेटेजीज होती हैं। अब जब पानी बाहर जाएगा तो डेफिनेटली इनको शदीद प्यास लगेगी, तो प्यास जब लगेगी तो ये मछली जो है, जो मैरीन है, ये पानी पिएगी। गरीब अगर पानी की कमी को तो उसने पूरा करना है, लेकिन जब पानी पिएगी तो पानी के साथ जो बाहर का साल्ट है वो भी बॉडी के अंदर आ जाएगा और अंदर की साल्ट कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। वही वाली बात हो गई कि हमारा जो ऑस्मो रेगुलेशन है वो 2% पे मेंटेन रहना चाहिए। इससे अगर बाहर से पानी अंदर आएगा तो नमक भी आएगा, अंदर का साल्ट बढ़ गया। तो पहले क्या हुआ, पहले पानी बाहर निकला, पानी कम हो गया, पानी की कमी को पूरा करने के लिए उसने पानी पी लिया। पानी पी लिया तो उसके बाद जब पानी पिया तो साल्ट भी अंदर आ गया, साल्ट बढ़ गया। साल्ट को नीचे कैसे लेके आना है, तो साल्ट को नीचे लाने के लिए इसके पास स्ट्रेटेजी क्या है, एक तो ये अपनी जल्दी से गिल्स में से साल्ट को बाहर निकालेगी, उसके बाद यानी एक्टिवली क्योंकि गैस का ग्रेडियंट है। फिर दूसरा इसके पास रेक्टल ग्लैंड है रेक्टम के पास, तो ये रेक्टम के जरिए यहां से साल्ट बाहर निकालना शुरू कर देगी। कुछ मछलियों ने तो कुछ ऐसी भी स्ट्रेटेजी इख्तियार की है कि बॉडी के अंदर उन्होंने क्या किया है कि फर्ज करें बाहर अगर 4% है तो उन्होंने साथ में यूरिया भी बना लिया है, यूरिया भी बना लिया। अब यूरिया बनाने से क्या हुआ कि वो तकरीबन तकरीबन बाहर से क्या हो गए हैं, आइसोटॉनिक हो गए हैं या हाइपरटॉनिक हो गए हैं। तो लिहाजा ताकि बार बार जो है ये यूरिया बनाने से बार बार जो बॉडी से जो पानी बाहर जा रहा था वो बाहर अब ना जाए। लेकिन यूरिया तो बना लिया, लेकिन यूरिया जो है बॉडी में आपको पता है डेंजरस होता है। तो इसी वजह से इन्होंने एक और स्ट्रेटेजी ये इख्तियार की कि इन्होंने ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड भी बना लिया, जिसने एम्ब्रेस कर लिया किसको, यूरिया को, ताकि बॉडी में यूरिया भी रहे और यूरिया जो है मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरफेयर भी ना करे, बॉडी को नुकसान भी ना पहुंचाए। तो इस तरह से ये इसकी स्ट्रेटेजी में आ जाएगा। बोनी फिशेस के हवाले से अगर देखें, बोनी फिशेस जो हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि वो क्या करती हैं, ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, वो भी ऐसे, और कंसंट्रेटेड यूरिन, तो वो कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती हैं ताकि साल्ट बॉडी से जल्दी निकले। क्यों, जब ये पानी पिएंगी तो साल्ट भी अंदर आ जाएगा, साल्ट बहुत बॉडी में बढ़ जाएगा तो बढ़ने नहीं देना, तो ये यूरिन प्रोड्यूस करेंगी और यूरिन में पानी कम इस्तेमाल करेंगी और साल्ट को ज्यादा इस्तेमाल करेंगी ताकि साल्ट से जो है छुटकारा हासिल किया जा सके। तो ये इसकी स्ट्रेटेजीज आ जाती हैं। फ्रेश वाटर की अगर हम बात करें, फ्रेश वाटर में कंडीशन डिफरेंट हो जाती है। फ्रेश वाटर में बाहर साल्ट कंसंट्रेशन कम है, अंदर साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है। इसकी सबसे पहली एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें अमीबा और पैरामेशियम आ जाते हैं। अब फिर वही वाली बात आ गई, बाहर साल्ट कंसंट्रेशन कम, अंदर साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा, और मैंने बताया था पानी हमेशा हाइपो से हाइपर की तरफ जाता है। अब पानी जो है वो हर तरफ से इसके अंदर दाखिल होना शुरू हो जाएगा, नतीजतन क्या होगा, अंदर सेल के अंदर पानी बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि पानी भी बढ़ने नहीं देना। तो इनके पास क्या होते हैं, खास तरह के वैक्यूल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब होता है दबने वाले, प्रेस होने वाले, कंप्रेस होने वाले वैक्यूल्स। तो जब ये पूरा पानी से भर जाता है तो ये प्रेस होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो सारे का सारा जो पानी है उसको ये बाहर की तरफ एक्सपेल कर देता है ताकि बॉडी में पानी की कंसंट्रेशन बढ़ने ना पाए। इसी तरह फिश के हवाले से देख लें, ये हमारे पास फिश आ गई है, फिर अगेन फ्रेश वाटर की फिश है, बाहर कंसंट्रेशन कम है सॉल्यूट की, अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो पानी जो है अगेन इसकी स्किन के जरिए, बॉडी के जरिए इसके अंदर दाखिल होना शुरू हो जाएगा। अब वही वाली बात, पानी ज्यादा नहीं होने देना। अब इसका नुकसान क्या होगा, इसके अंदर पानी भरना शुरू हो जाएगा, नुकसान है तो पानी बाहर निकालना पड़ेगा। हमें उसकी स्ट्रेटेजीज क्या है, उसकी स्ट्रेटेजीज ये है कि पानी बाहर निकालने के लिए वो डाइल्यूट यूरिन इस्तेमाल करेगी, यानी पानी को बेदरेग यूरिन में इस्तेमाल करेगी। क्यों, पानी बॉडी में बहुत तेजी से आ रहा है। अब जब पानी बॉडी से बाहर जाएगा तो नमक भी जाएगा, नमक जब कम हो जाएगा अंदर तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए उसको खानी पड़ेगी, साल्टी फूड खानी पड़ेगी। एक्टिवली अपटेक ऑफ साल्ट, वो बाहर से गिल्स के जरिए अब साल्ट को बॉडी में वापस मंगवाएगी, तो इस तरीके से ताकि नमक की अंदर बॉडी में कमी ना हो जाए। देखिए दोनों चीजें साथ चल रही हैं, वाटर भी साथ चल रहा है और सॉल्यूट भी साथ चल रहे हैं। टेरेस्ट्रियल में अगर हम आए, टेरेस्ट्रियल में बहुत ही एक्यूट शॉर्टेज होती है वाटर की। इसमें ज्यादातर जो स्ट्रेटेजीज होती हैं वो कंजर्वेशन के हवाले से होती हैं कि पानी को जाया होने से कैसे बचाना है। इसमें हम लोग आर्थ्रोपोड्स और वर्टिब्रेट्स को देखेंगे
जिनके अंदर स्पेशल स्ट्रेटजीज हैं। मिसाल के तौर पे इंसेक्ट्स के ऊपर वैक्स की एक्सोस्केलेटन होता है, ऊपर क्लियर होती है वैक्स की, ताकि बॉडी का जो पानी है वो हवा में उड़ने ना पाए और बॉडी के अंदर पानी कंजर्व रहे, पहली स्ट्रेटजी कंजर्वेशन के हवाले से। इसके अलावा डेड कैरोटीनाइज स्किन, बॉडी के ऊपर स्किन के ऊपर डेड सेल्स होते हैं, इसकी वजह कि बॉडी में अगर सेल्स अगर कुछ डेड सेल्स मौजूद हैं तो उसमें वाटर भी नहीं होगा, उसमें पानी का उड़ना भी जो है वो मुमकिन नहीं रहेगा। इसके अलावा जाहिर बात है पानी की कमी है तो जानवर जो है वो पानी की कमी को कैसे पूरा करते हैं, ड्रिंकिंग। इंसान को देख लें, पानी की कमी फील करता है तो पानी पीना शुरू कर देते हैं, मुख्तलिफ जानवर भी हैं वो पानी पीना शुरू कर देते हैं। कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि मॉइस्ट फूड, नम या गीली खुराक को जो है वो खाते हैं ताकि जिसम में पानी की, देखिए सारी स्ट्रेटजी पानी लेने के हवाले से है इसमें, या पानी को उड़ने से या जाया होने से बचाने के लिए है। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल ऐसी भी हैं, मेटाबॉलिक एडाप्टेशन भी हैं, यानी कुछ जानवर दुनिया में ऐसे भी हैं जो पानी नहीं पीते लेकिन वो फिर भी वाटर ऑफ मेटाबॉलिज्म यूज कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे कैंगरू रैट है। अब कैंगरू रैट जो है वो सीड खा लेता है, सीड में स्टार्च होती है, स्टार्च टूट के बन जाती है ग्लूकोज, ग्लूकोज की जब वो मेटाबॉलिज्म करता है तो साथ में उसको वाटर भी मिल जाता है, तो इस तरह उसकी पानी की कमी पूरी हो जाती है। कुछ जानवर जो है वो बिहेवियरल अडॉप्टेशन में आ जाते हैं। बिहेवियरल अडॉप्टेशन का मतलब ये है कि बहुत गर्मी होती है तो जानवरों के जिस्म में ऐसे पसीने की सूरत में, परस्पिरेशन की सूरत में पानी जाया हो रहा होता है तो वो जाहिर बात है वो किसी शेडी एरिया में चले जाते हैं, वो अंडरग्राउंड चले जाते हैं ताकि जिस्म से बॉडी का ज़िया ना हो, तो ये इसकी बिहेवियरल अडॉप्टेशन में आ जाएगा, उनका रवैया बदल जाएगा। किडनी ह्यूमन की देख लें कि अगर बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाएगी तो आपने पढ़ा होगा किडनी के अंदर कि किडनी जो है वो 99.9% जो है या 99.5% जो वाटर है उसको वापस बॉडी में मंगवा लेता है, हर बॉडी से बाहर जाने नहीं देता, उसको कंजर्व कर लेता है उसको। तो अगर बॉडी में पानी ज्यादा होगा तो वो बॉडी से उसको जाने देगा किडनी यूरिन की सूरत में, तो वो स्ट्रेटजीज मेंटेन। किडनी जो है वो आपने एल्डोस्टेरोन का जो फंक्शन, एडीएच का फंक्शन आपने जो है वो पढ़ा होगा उसके अंदर। इसके अलावा एनहाइड्रोबायोसिस है। एनहाइड्रोबायोसिस जो है ये ग्रीक जुबान से आया है, एन का मतलब होता है विदाउट, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, एंड बायो का मतलब होता है लाइफ, यानी लाइफ विदाउट वाटर। दुनिया में कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो कि फिजिकली अपनी स्ट्रेटजी ऐसी चेंज कर लेते हैं कि उनको पानी की जरूरत नहीं रहती, यानी आप ये समझ लें सिंपल वाइट वर्ड में कि वो अपनी मेटाबॉलिज्म को जीरो कर लेते हैं ऑलमोस्ट। तो जब वो जीरो कर लेते हैं तो उनको वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती उस टाइम तक जब तक उनको वाटर मिल नहीं जाता। मसाल के तौर पर बहुत सी एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, इसके अंदर बहुत सी फंजाई हैं, फंजाई की एग्जांपल भी इसमें आ सकती है। इसके अंदर साइनोबैक्टीरिया हैं, कुछ साइनोबैक्टीरिया हैं, रोटीफर एग्जाम्पल में आ सकते हैं। तो ये जो है ये फिजिकली अपनी मेटाबॉलिज्म को जो है वो जीरो पे ले जाते हैं, तो जब तक वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती उस टाइम तक ये अपनी मेटाबॉलिज्म को वहीं पे ही जीरो के ऑलमोस्ट करीब रखते हैं। तो ये आप लोगों का आज का टॉपिक था, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपके क्वेश्चन को एड्रेस किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।